My name is Humayun Zeeshan Tahir. I am Management Sciences expert. I am doing PhD Management Sciences. Today we will discuss about Management Information System. Management Information System को समझने के लिए सबसे पहले हमें सिस्टम को समझना होगा. हर वो प्रोसेस जिसमें ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स हो, रिलेटेड विद ईच अदर, वर्किंग टूगेदर और इकट्ठे काम कर रहे हो, उनका कॉमन गोल हो, उसे हम सिस्टम कहते हैं. जैसे गाड़ी का सिस्टम है जिसमें ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और उनका कॉमन गोल होता है एक्सीलरेट करना. अगर गाड़ी के अगले दो पहिए आगे को चलें और पिछले दो पहिए पीछे को चलें तो वो गाड़ी एक्सीलरेट नहीं कर सकती. सिस्टम कई तरह से हो सकते हैं. जैसे सिस्टम के साथ अगर हम एजुकेशन लगाएं, तो किसी भी एरिया का या किसी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम होगा. अगर हम सिस्टम के साथ पॉलिटिकल लगाएं, तो पॉलिटिकल सिस्टम होगा. अगर हम किसी कंट्री के सिस्टम की बात करें तो नेशनल सिस्टम होगा. इसी तरह अगर हम सिस्टम के साथ इंफॉर्मेशन लगाएं तो इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा. अब हम देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है. जिस तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स की इंपॉर्टेंस होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस होती है, इस तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सिस्टम की मेजर इंपॉर्टेंस होती है. जैसे अगर किसी हॉस्पिटल से ये इंफॉर्मेशन निकाल दी जाए कि इसमें कितने डॉक्टर्स हैं, उनकी क्या एक्सपर्टीज है, क्या स्पेशलाइजेशन है, कितने नंबर ऑफ पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं, किस प्रॉब्लम की वजह से आते हैं और उनको कितनी सेटिस्फेक्शन होती है, तो वो हॉस्पिटल सर्वाइव नहीं कर सकता. इसी तरह अगर किसी बैंक से ये इंफॉर्मेशन निकाल दी जाए कि इसमें कितने नंबर ऑफ इंप्लॉयज हैं, कितने क्लाइंट हैं, कितने गोल्डन क्लाइंट्स हैं, कितने सिल्वर क्लाइंट्स हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तो वो बैंक सर्वाइव नहीं कर सकता. इंफॉर्मेशन ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम जो मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बनाया जाता है, उसको हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं. मैनेजमेंट तीन लेवल की होती है, लो लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट. और तीनों लेवल की मैनेजमेंट के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं. इंफॉर्मेशन सिस्टम का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है. अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है, हमने लास्ट सिक्स मंथ में कितनी ट्रांजेक्शन की, तो हम अपनी बैंक की वेबसाइट पे जाएंगे, उसमें यूजर नेम और पासवर्ड देंगे, हमें एक्सेस मिल जाएगी हमारी बैंक स्टेटमेंट तक. उसमें हम देख सकते हैं कि हमारे कितने पैसे आए, कितने हमारे एक्सपेंसेस हुए, कितनी हमारी ट्रांजैक्शन हुई. वो किसी ना किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ अटैच होने की वजह से वो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. इसी तरह जब हम कोई क्रेडिट कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो हमारी इंफॉर्मेशन सिस्टम की वजह से ट्रांजैक्शन हो रही होती है. अगर कोई बैंक मैनेजर ये देखना चाहता है कि इस महीने उसके कितने क्लाइंट्स की बर्थडे है, तो वो इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू ये लिस्ट देख सकता है कि कितने क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनकी इस महीने बर्थडे है, ताकि वो उनको विश कर सके, उनको कंग्रेचुलेशंस भेज सके. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सिस्टम के रोल को देखने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इसकी इंपॉर्टेंस को देखने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर डिस्कस करेंगे. उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.